एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बेहद ही हसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी पत्रकारिता देश नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वैसे जगह पर भी पत्रकारिता की है जहां अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। उनकी हसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा हुआ था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले, तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचि लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूँ, आपकी तरह ख्याति पा सकूँ। ऐसा कहते हुए उस नौजवान ने अपनी पुस्तिका ऑटोग्राफ के लिए पुष्पेंद्र की ओर बढ़ाई। पुष्पेंद्र ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका में कुछ शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को पुस्तिका वापस कर दी। इस पुस्तिका में यह लिखा हुआ था, आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने के लिए लगाएं, किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरे लोगों को देते हैं, वह समय आप स्वयं के लिए दें। नौजवान इस बात को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कह दिया और मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, एंड वंदे मातरम।